दोपहर को सारे काम निपटा कर रिया थोड़ी देर कमरे में लेटी हुई थी कि तभी किचन से आती हुई खटपट की आवाज सुनकर वो किचन में आई तो देखा सासू माँ बेसन के लड्डू बना रही थी। उन्हें लड्डू बनाते देख रिया ने पूछा, मम्मी जी आप लड्डू बना रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? उसकी सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, रिया शायद तुम भूल गई कि परसों दिव्या का बर्थडे है, उसे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, सोचा उसके जन्मदिन पर एक साड़ी और लड्डू भेज दूंगी। ये सुनकर रिया गुस्से में बोली, माँ जी शायद आपको महंगाई का अंदाजा नहीं है, आपके बेटे रात दिन मेहनत करते हैं तब जाकर इस घर का चूल्हा जलता है और आप देसी घी में लड्डू सेक सेक कर अपनी बेटी को देना चाहती हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाजार से कुछ मीठा लेकर उनके जन्मदिन पर भिजवा देंगे, अब आपने बना ही लिया है तो ये लड्डू रख दीजिए, आपके पोते अविनाश को भी बहुत पसंद है, वह खा लेगा। बहू की बात सुनकर सासू माँ मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। रिया बड़बड़ करते हुए किचन में सामान समेट रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। गुस्से में जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। अपने भाई को देखकर उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया और प्यार से अपने भाई को अंदर बुलाया, मगर भाई गुस्से में उसके हाथ में कुछ सामान पकड़ा कर बोला, देख रिया वैसे ही मेरे ऑफिस में बहुत काम रहता है, ये रोज का कुरियर वाले का काम मैं नहीं कर पाऊंगा, माँ को समझा देना रोज रोज तेरे लिए कुछ बनाकर भेजने की जरूरत नहीं है, माँ पिछले 4-5 दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी, आज समय मिला इसलिए लेकर आ गया। रिया अपने भाई का बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी, मगर फिर भी भाई को बिना कुछ बोले खामोश रही। भाई के जाने के बाद जब उसने वह झोला खोल कर देखा तो उसमें कुछ रेवड़ी और तिल गुड़ के लड्डू थे। उसे तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ तुमने भाई के हाथ सामान भेजा मगर उसमें अपने हाथ की बनी शुद्ध देसी घी की पिन्निया और कचोरिया तो है ही नहीं, मुझे तो वही खानी थी, ये लड्डू और रेवड़ी तो संक्रांति पर मेरे घर भी बनी थी, आपको पता है ना मुझे कितनी पसंद है आपके हाथ की पिन्नी और कचोरी। उसकी माँ धीरे से बोली, मन तो मेरा भी था बेटा मगर तेरी भाभी ने मना कर दिया, बोली शुद्ध घी कितना महंगा हो गया है, सब कुछ अपनी बेटी को ही दे दूंगी क्या, इसलिए बस गुड़ तिल के लड्डू और रेवड़िया भेज दी। अपने भाभी के अपने प्रति विचार सुनकर उसे थोड़ी देर पहले का वाक्य याद आ गया, उसने भी तो अपनी ननंद को शुद्ध घी के लड्डू भेजने के लिए मना कर दिया था। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने जिस दिन उसके ननंद दिव्या का बर्थडे था उस दिन सुबह से ही उसने उसकी पसंद का खाना बनाया और बाजार से साड़ी और एक परफ्यूम तोहफे में खरीद कर लेकर आई। बाजार की मीठे के साथ साथ उसने अपनी सासू माँ के हाथ के बने हुए लड्डू भी पैक किए और सासू माँ से बोली, और कुछ रखना है क्या? रिया की तैयारी देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई, उन्हें हैरानी होने लगी कि आखिर किस बात से बहू इतना बदल गई, मगर उन्होंने बिना किसी सवाल किए कहा, बस बस बेटा और कितना रखेंगी, इतना सामान देखकर ही दिव्या बहुत खुश हो जाएगी। सारा सामान लेकर जब रिया दिव्या के घर पहुंची दिव्या उसे देखकर बहुत खुश हो गई और उसके गले लगकर बोली, भाभी ये सब तोहफे और मिठाइयां तो बस शगुन होता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज इस बात की है कि भाई के साथ साथ आज आप खुद ये सब लेकर मेरे घर आई है, हम बहनों को मायके में भाभियों का प्यार भी मिलता रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। दोस्तों हम लोग कई बार घर की बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जो बर्ताव हम हमारी ननंदों के साथ करते हैं वही बर्ताव हमारी भाभी हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।